हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोना फिटनेस चैनल। आज जो हम अभ्यास करेंगे वो अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे कि इसको करने से क्या फ़ायदा होता है, ये क्यों करना चाहिए। तो आप हाफ पद्मासनासन में बैठ जाए और एक हाथ थाई पे रखते हुए दूसरे हाथ से आपने इनहेल करना है एंड एक्सहेल कर देना है। फिंगर्स का यूज़ करें और इसको करने से बहुत सारा फ़ायदा रहता है। इससे हमें अच्छा नींद भी आता है। तो आप क्या करें, अपना गहरा लंबा सांस लें, एक नोजल से आप सांस गहरा लंबा सांस खींचे और दूसरी साइड से आप एक्सहेल कर दें। इसको लगातार अभ्यास करने से आपका जो स्किन है वो भी अच्छा मीन्स ग्लो रहता है, अच्छी स्किन बनती है और इसमें काफ़ी ग्लोइंग आता है। और दूसरा ये कि इसको करने से हमारी जो आई साइट है वो भी अच्छी हो जाती है। तो अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो, और इससे हमारा जो मीन्स आपका जो किसी चीज़ पे आप फोकस करते हैं, मीन्स ध्यान लगाते हैं, तो उसको मीन्स उससे भी अच्छे आपकी क्षमता बढ़ती है और इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी इसमें बैलेंस में रहता है और हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो भी इससे इम्प्रूव होती है अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं तो। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, वैसे वैसे आपने एक साइड से आपने सांस को खींचना है, दूसरे साइड से आपने इसको सांस को बाहर कर देना है। इससे क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेस है, ज़्यादा जो हमें दिन भर की जो परेशानियाँ रहती हैं उससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है। तो अनुलोम विलोम करने से बहुत सारे फायदे रहते हैं अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहें तो। इससे हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी काफ़ी इम्प्रूव होता है और हमारा जो काफ़ी जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, उन सभी काफ़ी मुक्ति मिलती है। तो अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहें तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आई होप गाइस आज का आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी। बाय।